हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम लोग काफ़ी टाइम से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। फाइनली जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। एंड ये जो वैकेंसी आई है ये पटना हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, बहुत ही बड़ी बहाली है। एंड नंबर ऑफ पोस्ट तो अच्छी है ही, साथ में ये जो पोस्ट है ये पर्सनल असिस्टेंट की पीए की पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर सैलरी के लिहाज से देखें तो सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, सब मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आता है सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल में मिलता है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूँगा और नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या क्राइटेरिया इस जॉब के लिए रखा गया है। गाइस, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया था। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो शो हो रहा है कि हाईकोर्ट ऑफ जो है पटना की है एंड जुडिकेचर एट पटना है एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट है। आप पोस्ट दे सकते हो किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए की जा रही है। एम्प्लॉय नोटिस दे सकते हो हाईकोर्ट 02 यानी 2019। अब इसमें मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्टार्टिंग की बात करूं तो ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट आज से हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 22/5/2019 यानी 22 मई से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 11/6/2019 तक जो है आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट आपको याद रखना है 11 जून 2019 आप लोगों का होने वाला है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए कैंडिडेट का जो है सिटीजन ऑफ इंडिया एकदम मस्ट है, एंड मेडिकली भी फिट होनी चाहिए कैंडिडेट। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो मेडिकली फिट होनी चाहिए, अगर मेडिकली फिट नहीं हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एज क्राइटेरिया का, एज ऑफ कैंडिडेट एज ऑन द डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट बी लेस देन 21, यानी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है 21 साल है एंड मैक्सिमम जो है वो 35 साल है। अगर आप एज रिलैक्सेशन, जैसे अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए बैचलर्स डिग्री। मिनिमम जो है आप लोगों को बैचलर डिग्री अगर आपने किया हुआ है, बैचलर कंप्लीट किया हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, चाहे आपने कुछ भी किया हो, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया होगा, बट किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रीफ्रेंस भी दिया गया है। प्रीफ्रेंस क्या है आप लोग थोड़ा गौर से देखो इसको। प्रीफ्रेंस ये दिया गया है कि अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन किया है, कंप्लीट किया है, तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगा। सेकंड देख सकते हो 50% मार्क्स जो है होनी चाहिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, 50% मार्क्स होनी चाहिए, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कि इसमें फॉर्म फीस क्या लगेगा। आप लोग एज पता चल गया एंड इसमें क्वालिफिकेशन पता चल गया, मैं आपको फॉर्म फीस बताता हूँ। इसमें जो है फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 700 रुपीज़। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 700 रुपीज़ आपको पे करना होगा, जो कि मेरे ख्याल से तो काफ़ी लग रहा है। 700 रुपीज़ नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थी फीस, बट 700 रुपीज़ उन्होंने रखा हुआ है तो हम कुछ कर नहीं सकते। एंड अगर आप ओबीसी या बीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 350 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना होगा एग्जामिनेशन फ़ी। इसके अलावा अगर आप फिज़िकली चैलेंज है तो 175 रुपीज़ पे करना होगा आपको फॉर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा रिजर्वेशन क्राइटेरिया का। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा कि एग्जामिनेशन में, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो मैं अभी जो आप लोग देख रहे हो ये नोटिफिकेशन जो देख रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं इसको ना लिंक डालता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से जाके एक बार डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप एक बार खुद से पढ़ के अब जो है इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछ सकते हो आप। और ये जो फीस की बात हो रही है ना, मुझे लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है, इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। 700 रुपीज़ काफ़ी मायने रखता है। आपको क्या लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है? अगर लगता है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हम लोगों को।
एंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक तो कर ही देना, अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।